भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली मुरादाबाद पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने शहर की जामा मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। इसके बाद शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद से मुलाकात की और दुआओं के लिए कहा। यहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का काफिला शहर के मकबरा स्थित शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन के निवास पर पहुंचा, जहां भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन को पद्मश्री अवार्ड मिलने पर सम्मानित किया। इस दौरान जमाल सिद्दीकी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। इसका जीता जागता उदाहरण पद्मश्री से नवाजे गए शिल्प गुरु दिलशाद हुसैन है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की हितैषी है, इसलिए आने वाले चुनाव में मुसलमान बीजेपी के साथ रहेगा। वहीं उन्होंने माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के उठाए सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी। ऐसे तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की मुरादाबाद से हमारे संवाददाता अब्दुल वाजिद ने, आप भी सुनिए। बीजेपी माइनॉरिटीज नेशनल प्रेसिडेंट मिस्टर जमाल सिद्दीकी साहब हमारे साथ है। सर, मुरादाबाद आए, एनी स्पेशल रीजन? आज हम सब लोग यहाँ पर जो हमारे जनता के पद्मश्री हैं दिलशाद साहब, उनके सत्कार के लिए आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से सरकारों के पद्मश्री नहीं होते, जनता के पद्मश्री होते हैं। जनता के बीच में जो अच्छा काम करते हैं, जो समाज सेवी हैं, जो कलाकार हैं, जो अच्छा काम करते समाज में, उनको ढूंढ कर प्रधानमंत्री जी उनको पुरस्कार से नवाजते हैं। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पर आए हैं। हम बहुत खुश हैं कि आज मुरादाबाद का जो कला है वो देश ही पूरी दुनिया में पहुँच चुका है, इसके लिए हम लोग उनका सत्कार कर रहे हैं। सर, माइनॉरिटीज़ की बात की जाए, ख़ासतौर से मुस्लिम कम्युनिटी की, क्या विज़न है भारतीय जनता पार्टी के पास उनके? भारतीय जनता पार्टी का शुरू से सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और अब सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी का विजन साफ है, सबका साथ, लेकिन साथ में सबका प्रयास भी है। तो हम यही अपील करते हुए घूम रहे हैं कि आपने सबको देखा, कांग्रेस को देखा, आपने उनको पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक बनाया, आपने सपा को देखा जो आज कहां से कहां पहुंच चुके हैं, लेकिन जनता वही है, मुसलमान वही है, कोई खबर लेता नहीं है। तो क्यों ना हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होकर प्रयास करें समाज को आगे लाने का। और दिख भी रहा है, जब से केंद्र में सरकार आई है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार आई है, हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा सरकार का फायदा अगर हुआ है तो मुसलमानों का हुआ है। कभी किसी ने इल्ज़ाम नहीं लगाया कि मजहब के नाम पर किसी को पीछे ढकेला गया है, सबको इंसाफ मिल रहा है, सबका साथ है। तो इस सबके साथ और सबके इंसाफ को प्रयास के माध्यम से हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इंशाल्लाह सबकी तरक्की होगी। तो सरकार ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है माइनॉरिटीज़ की, पसमानदा मुसलमानों को लेकर आप देश भर में घूम रहे हैं, किस तरह का फीडबैक सामने आ रहा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी सभी वर्ग के लिए चिंतित हैं, और प्रधानमंत्री जी का कहना है कि विश्व भारत कब बनेगा, जब बनेगा विश्व शक्ति, जब बनेगा भारत, जब समाज के सभी अंग विकसित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से पसमंदा समाज जो है, जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, सपा के साथ गए, बसपा के साथ गए, सभी के साथ गए इस उम्मीद में कि हमारा भला होगा, लेकिन उनका भला नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने चिंता जाहिर की है और हम अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग जो पसमंदा समाज के लोग हैं उनको विशेष रूप से ध्यान देकर उनको आगे लाने का काम कर रहे हैं, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, उनकी बराबर भागीदारी हो रही है। जो पसमंदा समाज में अलग अलग घटक हैं उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं, कोई छूटने ना पाए, कोई विकास से दूर रहने ना पाए, इसकी चिंता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं और समाज अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी भी कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, रिसेंटली कल यूपी में एक इंसिडेंट हुआ एनकाउंटर को लेकर असद का, उस पर राजनीतिक पार्टियां टिप्पणी कर रही, सोशल साइट्स पर तमाम तरह के कमेंट्स हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के चीफ हैं उन्होंने कहा कि मजहब को देख कर ये एनकाउंटर किया गया, क्या कहना है आपका? मुझे लगता है कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य अगर हुआ है, सबसे ज़्यादा अगर नालायक बेटा कोई भारत माता का है तो असदुद्दीन ओवैसी है। हैदराबाद में पूरे हैदराबाद के लोग हालत ख़राब है, वहाँ उनके उसकी चिंता नहीं है, लेकिन देश में दंगे कैसे हों, उनकी कुर्सी कैसे बने, उनका नाम कैसे हो, इसके लिए हमेशा कोई मौका वो छोड़ते नहीं है। यहाँ भी दंगा भड़काने के लिए ऐसे बयान वो दे रहे हैं, जबकि इसके पहले भी इनकाउंटर हुए हैं। इसके पहले जो इनकाउंटर हुआ विकास दुबे का हुआ, किसी ने नहीं कहा हिंदू का हुआ है, अभी अभी राणा का इनकाउंटर हुआ, किसी ने नहीं कहा हिंदू का हुआ है, और ऐसे नालायक लोग देश को तोड़ने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ रहे, मैं मजम्मत करता हूँ उनकी।
सर का आखिरी सवाल, अभी आपने मुसलमानों की बात की, मेयर के चुनाव हैं यूपी में, कितने प्रतिशत मुस्लिम को वो टिकट दिया जाएगा? बिल्कुल, जो जनता का मत लेकर आएगा, भारतीय जनता पार्टी में सर्वे के आधार पर टिकट मिलता है, जनता का जनादेश जिसके पक्ष में होगा भारतीय जनता पार्टी का कमल फूल उनके हाथ में दिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली जी हैं उनके नेतृत्व में इस बार उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत विचार से खास बातचीत करने के लिए। थे हमारे साथ अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो मुस्लिमों को लेकर उनका विज़न है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और मुमकिन है कि आने वाले समय में जो विज़न है उनका वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।